जो लोग तो अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 में पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी 24 में पूरी दुनिया, ये 23 है ना, ये खत्म होने वाला है 2 महीने में, और 24 में क्या हो जाएगी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी भविष्यवाणी। वैसे तो 20 में भी लोगों ने की थी कि 2020 में दुनिया का अंत हो जाएगा। फिलिस्तीन के जो आज युद्ध कर रहे हैं उनके इतने बड़े शूरवीर को, उस गोलियत को, उसने एक छोटे से अपने गोपी में पत्थर रखकर घमाकर उसको मार दिया, वो किसकी पावर से मरा, बोलो क्या कर दिया। तो आज भी वो परमेश्वर की पावर इज़राइल के ऊपर काम करती है वो छोटा सा देश है, बोलो क्या है वो छोटा सा देश है, इतना बड़ा नहीं है, बड़ा पावरफुल है, बोलो क्या है, बड़ा पावरफुल देश है, क्योंकि किसकी कोरोना है उस देश के ऊपर, उस परमेश्वर की है। समझ आ रही है? तो आज उस देश का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान भी हुआ है, बहुत से लोग मारे भी गए हैं, पर परमेश्वर उनके साथ हैं और मेरा विश्वास है कि खुदावंद उन्हें जीत देगा। और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये अंत के समय की निशानियां हैं, बोलो क्या है ये अंत के समय की निशानियां हैं, जो यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देश देश पर, जाति जाति पर क्या होगा, ये अंत के समय की, पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन में क्या हुआ, जो मेन युद्ध पूरी दुनिया में फैलेगा ना वो इज़राइल से फैलेगा। कुछ लोग तो अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 में पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी 24 में पूरी दुनिया, ये 23 है ना, ये खत्म होने वाला अभी 2 महीने, और 24 में क्या हो जाएगी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी कर रही। वैसे तो 20 में भी लोगों ने की थी कि 2020 में दुनिया का अंत हो जाएगा, मैं कहता हूं 20 हो 24 हो 30 हो, मैं बस इतना जानता हूं कि समय निकट है, अब हमें कुछ करने की जरूरत है, अब संसार की चीजों पे नहीं, खुदावंद की और उसके पीछे भागने की जरूरत है, बोलो क्या है, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है, ये समय वो आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मसीह को जानकर भी जब वो आ जाए, लिखा उसका दिन चोर के समान आएगा, कैसे आएगा, जैसे चोर का पता नहीं होता वो किस घड़ी आता है और सेध लगाता है, चोरी करता है, उसी तरह से यीशु मसीह का दिन लिखा चोर के समान आ जाएगा, किसी को नहीं पता होगा, पता नहीं वो किस घड़ी किस समय होगा। नूह के समय भी ऐसा ही हुआ ना, जैसे आज लोग शादियां बिजनेस बिजी हैं, अपने अपने कारोबार में बिजी हैं, बोलो क्या है, सारे लोग अपने अपने बिजनेस अपनी चीजों में लोग बिजी हैं, हैं कि नहीं है बिजी, है ना, और उसका दिन आ जाएगा, बोलो क्या है, उसका दिन आ जाएगा, पर जो तैयारी में उसकी बात जो रहे हैं, उसकी आंखों को मार रहे हैं, परमेश्वर का डर रख रहे हैं, लगातार परमेश्वर की इच्छा में जी रहे हैं, लिखा वो बचाए जाएंगे, बोलो क्या है, वो जीवित रहेंगे तो हवा में उठा लिए जाएंगे, ऐसे ही अगर मर भी गए तो लिखा कब्रों में से जी उठेंगे, बोलो क्या है, पर ये किन लोगों के साथ ये वचन पूरा होगा, बोलो क्या है, ये किन लोगों के साथ वचन पूरा होगा, जो पूरी तरह से किसकी इच्छा में चल रहे हैं, किन लोगों के साथ ये वचन पूरा होगा, जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, बोलो क्या है, और यीशु मसीह के आने की बात को जो रहे हैं तैयारी में, बोलो क्या है, वो खुद अपने लिए और औरों के लिए जी रहे हैं, औरों की रूह को बचाने के लिए, क्योंकि समय निकट है। बाइबल में लिखा अगर दिन यीशु मसीह के आने के दिन घटाए जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, बोलो क्या है, उसका एक ही कारण है, ताकि और लोग बचे नाश ना, बोलो क्या है, और बचे और नाश ना, ओके। तो ये अंत के समय की निशानियां हैं, बोलो क्या है,
इसलिए हमें और भी अलर्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हमें और भी अलर्ट होना पड़ेगा, अभी चौकस होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। जैसे परमेश्वर की चाहत है सब मनुष्य बचाए जाएं, किससे? उज्जीवन के प्राण से, किसी का प्राण भी नाश ना हो। ये शरीर तो मिट्टी है, लिखा मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पर जो उद्धार है, जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो प्राण की। बोलो क्या है? जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो प्राण की। समझ आ रही है? तो उसको, उसके लिए आज अपने प्राण के लिए, अपने लिए और औरों के लिए हमने जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें बढ़ना है। आमीन। अभी हम इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। वैसे तो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 में क्या हो जाएगी, पर मुझे लगता है कि नहीं, अभी बहुत दुनिया पड़ी है बचाने वाली, बहुत दुनिया पड़ी। बड़ी तेजी से परमेश्वर का वचन फैल रहा है। बोलो क्या फैल रहा है? इस दुनिया में बड़ी तेजी से परमेश्वर का वचन फैल रहा है। समझ आ रही है? पर अभी समा, मुझे तो लगता अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बहुत दुनिया है। तो इसलिए आओ हम अपने हाथों को उठाएंगे इज़राइल के लिए, उनके लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर इज़राइल पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। प्रार्थना करो सब अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर इज़राइल पर तेरा अनुग्रह बना रहे। वहां पे जो भी मानी नुकसान हुआ है, जिन लोगों की जाने चली गई, परमेश्वर उनके परिवारों को संभाल, उन्हें शांति दे। यस खुदा, और इस युग को प्रभु तो अपने अनुग्रह से खुदा आप इसे समाप्त कर चुके हो। यस खुदा, तो अपने लोगों की और है, तेरे वचन में लिखा, अगर परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। निश्चय खुदा, तूने पहले भी परमेश्वर अपने लोगों को जीत दी, तू अब भी देगा, सब कुछ अच्छा करेगा। हम जल्द खुदा गुड न्यूज सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं खुदावंद के उस देश पर, सच में वो चुना हुआ तेरा देश है, जो तूने अपने दास अब्राहम से प्रतिज्ञा की, वादा किया था कि तेरे वंश से सब जातियां आशीष पाएंगी। पिता, हम तेरे दास अब्राहम के वंश की प्रतिज्ञा की ही संतान है। हम तुझसे प्रार्थना करते मेरे पिता, उस देश पर, तेरे लोगों पर जिसके साथ तूने वादा किया, मेरे परमेश्वर तेरा सदा अनुग्रह बना रहे, तेरा सदा अनुग्रह बना रहे। यस खुदा, तू सब कुछ अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ से प्रभु सब कुछ अच्छा कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया।